पिछले कुछ समय में अजय देवगन ने कॉमेडी से अपना फोकस ड्रामा और सीरियस फिल्मों की तरफ शिफ्ट किया है। उनकी पिछली कुछ मूवीज के बाद लोगों में शैतान का क्रेज बना रहा। फिल्म 8 मार्च को रिलीज हुई और 2 दिनों में ही मूवी ने ताबड़तोड़ कलेक्शन कर डाला है। अजय देवगन और आर माधवन की शैतान सिनेमाघरों में लोगों को खींच लाने में कामयाब नजर आ रही है। क्रिटिक्स के बाद ऑडियंस ने भी फिल्म को हरी झंडी दिखाई है। विकास बहल के डायरेक्शन में बनी इस सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी ने ओपनिंग डे की तुलना में दूसरे दिन दोगुनी कमाई की है। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। लंबे वक्त के बाद बॉलीवुड में कोई हॉरर फिल्म आई है, साथ ही तो बड़े सितारे अजय देवगन और आर माधवन एक साथ आए हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ था। फैंस को इस फिल्म का जितना इंतजार था उतनी ये लोगों की उम्मीद पर खरी उतरी है। फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इसे 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। शैतान की बात करें तो इसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया है। अजय और आर माधवन के साथ ज्योतिका लीड रोल में नजर आई है। ये गुजराती फिल्म वश का रीमेक है। गुजराती फिल्म को बहुत कम लोगों ने ही देखा है, इसी वजह से शैतान को लेकर लोगों में ज्यादा क्रेज है। साथ ही ये ब्लैक मैजिक पर आधारित फिल्म है। शैतान की बात करें तो फिल्म पहले दिन से ही शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने पहले दिन 14 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन करीब 18 करोड़ 25 लाख रहा। जिस तरह से फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि फिल्म को 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें आर माधवन विलेन के किरदार में नजर आएंगे। इसमें अजय देवगन अपनी फैमिली के साथ एक फार्म हाउस पर जाते हैं। फार्म हाउस पर जाते हुए रास्ते में ढाबे पर आर माधवन उसकी बेटी को कुछ खिला देता है और उसे अपने वश में कर लेता है। उसके बाद उनके घर जाकर उससे वो सब करवाते हैं जो वो चाहता है। माधवन उनकी बेटी को अपने माँ पिता की मर्जी से अपने साथ ले जाना चाहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।